अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजल व करम से अच्छे होंगे। आज मैं बनाई हूँ पूरियाँ। बारिश हो रही है तो मैंने सोची लाओ गरम गरम पूरियाँ ही खाएं। भजिए तो भजिए, ये पकोड़े हर कोई खाते हैं। मैंने आज तो हमारा मूड है कि हम मीठा खाएं, तो मैंने सोची मीठे में क्या बनाऊं, तो चलिए मैंने बनाई हूँ पूरियाँ। कौन सी पूरियाँ बनाई हूँ ये आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या कर रहे हैं? अभी मैं बना रही हूँ पूरियाँ। ये देखिए, ये है खोपरा, खोपरा कसनी से खोपरा कसा हुआ है। इसके अंदर डाली हूँ मैं, ये देखो, काजू, बादाम, इलायची पाउडर, शक्कर, ये मिक्स सब कर ली हूँ। बारिश के दिनों में ना सब लोग बोलते हैं कि चलो बारिश आ रही है, ठंडा मौसम है, पकोड़े खाएंगे, लेकिन हम लोग मीठी मीठी ये पूरियाँ बनाकर खा रहे हैं। ये खोपरे वाली पूरियाँ, इसको हम लोग बोलते हैं मेवे की पूरी। इसको बोलते हैं मेवे की पूरी क्योंकि इसके अंदर सब मेवा डाला जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको मेवे की पूरी। जैसे कि रजब में सब लोग बनाते हैं, इसमें रवा डालते, तो मैं इसमें रवा नहीं डालती हूँ, सिर्फ ऐसे ही बनाती हूँ। चलिए अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को कि देखिए मैं क्या बना रही हूँ। ये देखो, मैंने ये रोटी बेल ली हूँ और ये है मेरा, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाली हूँ और उसमें तेल मिक्स की हूँ। दादी ने पहली बार बनाए थे तो मेरे को लग रहा था घी है, मैंने टेस्ट भी कर ली थी चुपके से। इसमें मैंने डाली हूँ कॉर्नफ्लावर और तेल, ये दोनों मिक्स की हूँ और हमें लगाना है ये बेली हुई रोटी के ऊपर। ये देखिए, ये जो मैंने रोटी बेल के रखी हुई इसी के ऊपर हमें लगाना है। अगर मैदे के आटे की पूरियाँ बनाएंगे ना तो और भी अच्छी बनती है। ये ऐसे बनाने से ना एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम, इतनी अच्छी, खाने में भी बहुत टेस्ट आता है इसमें। ये देखिए, इस तरह जैसे हम घी या मस्का लगाते हैं, इस तरीके से इसको लगाना है। और फिर दूसरी रोटी भी यहाँ मैंने बेल के रखी हूँ, उस पर भी इसी तरीके से मैंने सब लगा दी हूँ। ये देखिए, ये जो बेटा क्या बन रहा है ऊपर ऊपर गैस पे, वो छोड़ दे। ये देखिए, अभी इसके ऊपर इसको हमें ऐसे रखना है, दो दो ये रख दिए हमने। और अभी इसको हमें गोल रोल बनाना है, हिलाना नहीं जरा भी। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको गोल रोल लपेट लेना है। मेरा किचन छोटा है ना, सामान बहुत है। ये ऐसे हमने बना लिए ये रोल। रोल किस लिए? ये अभी ये रोल को हमें इसको काटना है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमें इसके पेड़े बनाने के लिए। ओ वाओ, ये देखिए ये बन रहे हैं हमारे पेड़े, इसको हमें फिर बेलना है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और इतनी अच्छी बन जाती है। अच्छा दादी, तुम वो बना रहे, मेरे को उसका नाम याद आ रहा। हाँ, जो कि जिसके मुंह में दांत भी ना रहे ना, वो लोग भी इसको खा सकते हैं, इतनी सॉफ्ट बनती है ये। मेरे मुंह में पूरे दांत है। तेरे मुंह में है ना? मेरे मुंह में एक दांत नहीं है। जो बूढ़े लोग रहते हैं उनके लिए। ये देखिए, ये हमारा ये आड़ा है, ऐसी जैसे हमने काटे वैसे इसको इस तरीके से हमें दबा के इसको अच्छे से आटा लगा के इसको हमें बेल लेना है। फिर हमें इसका शेप गोल कर लेना है। मेरे बेलन में ही आ गई पूरे। अभी मेरा गीला हाथ था ना, ये देखिए, अभी मैंने चावल उधर रखी हूँ, इधर पे गोश्त गल रहा है और बस ऐसे ही मेरा दिल खाने के लिए कर रहा था, तो मैंने बोली लाओ बैठे बैठे क्या करें, ये भी काम कर ले, जरा ऐसी पूरी भी बना कर। मेरे को लगा भाजी पूरी बना रही, तेज वाली पूरी। ये देखिए, ये बन गई। अभी हमें ये अच्छे से बैटर को मिक्स करना है। हमारा सब मिक्स, अभी हमें ये देखिए इस तरीके से डालना है। ये देखिए, ये हमने डाल दिया इसको। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको, ऐसे तो हम जो चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं दादी, एक ही डिज़ाइन बना। अभी थोड़ी हम, अभी तो हमें घर में ही खानी है, इस वजह से मैं ऐसे ऐसे इसको कर रही हूँ फोल्ड। ये देखिए, फ्लावर नहीं बना सकते ना, ये हो गई तैयार। ये देखिए, अभी ये तेल हो गया है अच्छा सा गरम।
अभी इसमें जाएंगी ये पूरियां। सारी एग्जॉस्ट फैन की आवाज आती है उसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शायद दो दो ही आएगी, तीन आएगी, बाजू में भी आएगी। फिर पलटाने के लिए नहीं होता है ना। अभी तेल गरम हो गया है, थोड़ा सा गैस को करेंगे हम स्लो, लो करेंगे थोड़ा सा। हाँ देखो उस साइड आ जाएगी, आ जाएगी, दाल कर देगी। अभी तू बोल रही ना इसलिए एक और देखिए नीचे जली जाती है ना ऐसा। आ गई ना, एक और एक आएगी ना बाबा। बिस्मिल्लाह, ये देखिए चटपटी दिख रही है। नहीं तो वो तेल गरम ज्यादा हो गया था ना इसलिए एक साइड की हो गई। अभी स्लो गैस है, अभी आराम से होंगी। खाने में बहुत अच्छी लगती है, ऐसे हो बनता है जैसे कि खारी। खारी का कवर कैसा होता है, खारी कैसी कुरकुर होती है, ये उस तरीके से बनता है। ये है हम कॉर्नफ्लावर लगाने से। वो तो पलटा दो बेचारे को, उसको बाद में डाल लेना बेटा। ये देख देखिए उसको बाद में डाल लेना। अगर तेरी बात सुन के मैं कुछ भी पकाऊंगी ना तो सब फेंकना पड़ेगा। क्या बोल रही है शिफा? देखिए आप लोग भी ऐसे ही फिर कच्चा कच्चा खाना बनाएंगे अगर शिफा की बात सुनेंगे तो। कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी करने ही बोलती है, जल्दी से होता है। ये देखिए ये अभी हो रही है मेरी पूरियां तैयार, गर्म गर्म पूरियां। देखो 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 हमारे बिल्लू कैसे बिल्लू किचन में आ रहे हैं। चल चल, देखो 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 किचन पे चढ़ते हैं, बहुत बदमाश है। ये हो गई, ये साइड हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गई हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ तैयार। और इसको गर्म गर्म खाने में ज़्यादा टेस्ट आता है। और अभी हम लोग इसको खाने वाले हैं गर्मा गर्म, अब बिना खीर के खाने वाले हैं। ये देखिए आपको इसका कवर, एक सेकंड मैं अभी पहले पूरी डाल दूँ दूसरे वाले और फिर मैं इसका कवर तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरीके से कवर में आवाज़ आती है। मस्त क्या मस्त मस्त आवाज आ रही है आपके मुझे दे रही हूँ। ये देख, ये देख तोड़ के दिखाऊँ मैं। ओहो बहुत ही गर्म है, वरना तो दादी गैस पे हाथ डाल के रोटी पलटाते। वो बात अलग है, ये तो तेल में से अभी निकाली हूँ ना। ये देख तोड़ के बताओ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए खा के बताओ जरा। अल्लाह अकबर, इतना गर्म खा के। ये देखना पहले कितनी मस्त, ये देख ये देख, जैसे खारी होती है ना खाएंगे तो हम ऐसा ही टेस्ट आता है इसका खारी के जैसा। चलो पूरी बनने के बाद दिखाते। देखिए बन के तैयार हो गई है गर्मा गर्म पूरियाँ, कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। अरे ये देखिए मैं दिखाती हूँ अभी खा के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आवाज सुनिए। हाँ ये कैसी है? माशाल्लाह, गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। गरम गरम खाने में उसकी ज़रूरत नहीं रहती खीर की। इतने कुरकुरे बने। दिखा तो सही मुंह में खा रही है क्या? खाली मुंह है। अरे आए आए, मैंने बोली कि सिर्फ शिफा एक्टिंग कर रही है क्या खाने की? आओगे तड़के बना लो, इतने कुरकुरे बने। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। चलिए अल्लाह हाफिज़, जुम्मा मुबारक आप सबको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।